हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैनिस हेल्थ में। आज हम बात करेंगे सेहत से जुड़ी बीमारी माइग्रेन और लिवर इन्फेक्शन जैसी बड़ी बीमारियों को जड़ से मिटाएगी मेहंदी। फ्रेंड्स, हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम सब मेहंदी का प्रयोग करते हैं। घर में कोई भी शादी हो, त्यौहार हो या कोई खास सेलिब्रेशन, मेहंदी हर जगह अपना रंग बिखेरती है। भारतीय सौंदर्य की परंपरा में 16 श्रृंगार शामिल है। मेहंदी को लोग सर पर बालों को रंग करने के लिए भी यूज करते हैं। माइग्रेन, आज की दौड़भाग भरी जिंदगी में माइग्रेन के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। माइग्रेन सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं हो रही हैं। इसके लिए मेहंदी जो है असरदार इलाज है। इसके लिए रात को मेहंदी को 100 ग्राम पत्तों को कूटकर पानी में भिगो के रख लें। सुबह मेहंदी के छान लें और उसे पानी को खाली पेट पी लें। अगर दर्द तेज है तो भीगे हुए पत्तों को सिर पर लगा लें। किडनी का संक्रमण, किडनी की समस्या भी आजकल आम हो गई है। किडनी के ज़्यादातर रोगी पथरी या किडनी की इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। किडनी को रोगों को मेहंदी के पत्ते प्रभावी होते हैं। 50 ग्राम मेहंदी को आधा लीटर पानी में कूटकर उबालकर फिर पानी को छानकर पीएं। बवासीर, मेहंदी बवासीर को भी ठीक करती है। इसके लिए बवासीर को मेहंदी के बीजों से अच्छी तरह पीस लें। अब बीज को इस पाउडर में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर इसकी गोलियां बना लें। इन गोलियों को रोज सुबह शाम खाना खाने के बाद चूसें। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के लिए मेहंदी का प्रयोग फ़ायदा मिलता है। ब्लड प्रेशर को निजान पाना है तो मेहंदी के ताजे पत्तों को पीसकर रोज पैरों के तलवों पर लगाएं। जोड़ों के दर्द, अगर आपको जोड़ों का लगातार दर्द है तो मेहंदी को लगातार प्रयोग से पुराने दर्द को ठीक हो जाते हैं। इसके लिए मेहंदी और अंगड़ी के पत्तों को बराबर मात्रा में एक साथ पीस लें। इस मिश्रण को हल्का सा गर्म करके दर्द वाली जगह पर लगाएं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेहंदी के घरेलू उपचारों के बारे में देखा कि कैसे मेहंदी घरेलू उपचार में शामिल की जा सकती है। आगे मिली और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।